गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार उप संपादक की खास रिपोर्ट। पशुप्रेमी रमेश यादव ने आवारा गोवंशों से आमजन की सुरक्षा के बाबत एमएमसी विशाल सिंह चंचल को सौंपा पत्रक। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर सड़कों पर घूमने वाले आवारा गोवंशों की समुचित व्यवस्था करने व उनसे आमजन की सुरक्षा के बाबत पशुप्रेमी रमेश यादव ने विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल से मिलकर उन्हें पत्रक सौंपा। युवा सामाजिक कार्यकर्ता संघ के अध्यक्ष रमेश यादव ने डाक बंगले में एनएलसी को पत्रक सौंपकर बताया कि नगर सहित क्षेत्र की सड़कों पर आवारा गोवंश हमेशा घूमते रहते हैं। सबसे ज्यादा संख्या गोरखपुर वाराणसी फोर लेन पर है। बताया कि रात के समय सड़कों पर जाने वाले वाहन इनसे टकरा जाते हैं, तो दिन में भी कई बार ये पशु सड़क पर ही आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे उन्हें नियंत्रित करना किसी के बस में नहीं होता। कई बार कई वाहन टूट जाते हैं, तो कई बार लड़ते लड़ते दुकानों में भी घुस जाते हैं, जिसके चलते सड़क से गुजरने वाले लोग हमेशा खतरे के मुहाने पर होते हैं। मांग किया कि इन गोवंशों को पकड़वा कर गौशाले में भेजा जाए, जिस पर एनएलसी ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि वो गायों को गौशालों में रखवाने का इंतजाम करेंगे। रमेश ने एनएलसी को गौशालों के अंदर गायों की दुर्दशा का वीडियो दिखाया तो वो बेहद नाराज भी हुए। कहा कि अगली बार जब वो आएंगे तो गौशालों का निरीक्षण करेंगे। इतना परेशान हुए परसों अभी राम रखा था और कलर चलता है जो हो रहा थे एक आदमी गौशाला के लिए इसका एक गौशाला ले आके का काम वीडियो में प्रधान पंचायत